हेलो चिल्ड्रेन होप यू ऑल डूंग गुड लेट्स स्टार्ट टू डेट वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज थ्रू सीड्स थ्रू स्पोर्स थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें यंग वन को बर्थ किया जाता है उनको जन्म दिया जाता है तो प्लांट्स जो है इन तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स फ्लावर्स डिवेल्प इंटू फ्रूट्स सीड्स आर यूजअली फाउंड इन साइड द फ्रूट सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड सम मे हैव फ्यू सीड्स एंड सम हैव मैनी सीड्स न्यू प्लान्ट्रो वेन सीड्स फॉल ऑन द सॉयल फ्लावर्स आपके डिवेलप होते हैं किस में फ्रूट्स में सीड्स आपके यूजअली पाए जाते हैं फ्रूट के अंदर कुछ फ्रूट में एक सीड होता है कुछ में फ्यू सीड्स होते हैं कुछ में बहुत सारे सीड्स होते हैं तो आपके न्यू प्लाट्स ग्रो करते हैं जब ये सीड जो हैं सॉयल में गिरते हैं सम प्लांट्स लाइक फर्ंस एंड मॉसेस डू नॉट बेयर फ्लावर्स दे डू नॉट हैव सीड्स दे ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं लाइक फॉर्स एंड मॉसेस जो फ्लावर्स ही नहीं बेयर करते तो उनमें सीड्स नहीं होते हैं तो ये न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं स्पोर्ट्स से बॉडी पार्ट्स सम प्लांट्स ग्रो फ्राम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट्स लाइक रूट्स स्टैम और लीव दिस टाइप ऑफ रीप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रॉपिगेशन कई बार जो प्लांट्स होते हैं वो मदर प्लांट के बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं लाइक रूट स्टैम और लीव तो ऐसे रीप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव

टू सीड लीव जिन्हें बोलते हैं कॉटलीडन्स ये कॉटलीडन जो है बेबी प्लांट के लिए स्टोर करते हैं फूड को अब इन सीड लीव्स के बीच में आपका क्या होता है बेबी प्लांट ग्रो करता है बेबी प्लांट के आपके होते हैं बेबी रूट एंड बेबी शूट जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो वट डू सीड्स नीड टू ग्रो द प्रोसेस बाय विच अस ग्रोज इंटू अग इज कॉल्ड टर्मिनेशन विन सीड्स गेट इनफ वॉटर एयर एंड वार्म दे ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स Water helps to soften the seed coat. It also changes the food stored in the seed into a double form so that it can be used by the baby plant. Air is essential for plants as they require oxygen to breathe. Sunlight gives warmth to the plant and helps it to grow. अब सीड को किसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए देखिए सबसे पहले आपका जो सीड ग्रो करता है सीडिंग में दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन जर्मिनेशन जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तब वो जर्मिनेट होना शुरू होता है फेवरेबल कंडीशन में आपके आते हैं इनाफ वाटर एयर एंड वॉन्थ वाटर जो है सीड कोट को सॉफन करता है फिर ये क्या करता है जो फूड आपका स्टोर्ड होता है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है जिससे कि बेबी प्लांट उसे यूज़ करता है फिर एयर जो है वो असेंश एयर तो असेंशियल है ही ब्रीद करने के लिए सनलाइट वार्म देता है प्लांट को एंड इट हेल्प इट टू ग्रो डी नो सी लीव कॉटली पहले भी बताया पेरेंट प्लांट सो दैट इट गेट्स इन स्पेस एंड वॉटर फ्रूट एंड नीड्स आर स्कैटर विद

आपकी जो सीड्स हैं इनको कौन स्कैटर करता है सबसे पहले तो जो विंड से होते हैं वो स्मॉल एंड लाइट होते हैं जैसे और कॉटन सीड की अगर हम बात करें तो इनके लॉन्ग और फाइन हेयर होते हैं जिससे कि वो विंड के साथ ईजिली कैरी अवे हो जाते हैं डू यू नो सम सीड्स समीड्स अच्छ मेपल एंड स्टिक्स हैव विंग्स अटैच होते हैं विच है फ्लोट इन एयर कुछ आपके सीड्स होते हैं जैसे हम मेपल या ड्रम्पस्टिक की बात करें तो उनके आपके विंग्स होते हैं जो कि इनको एयर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं वाटर plants such as water lily lotus and coconut grow in or near water seeds of such plants are usually dispersed by water these plants have fruits and seeds that can float in water hydrilla seeds are also carried away by water आपके वाटर लिली लोटस या कोकोनट की बात करें तो आपके पानी में पानी के पास ही ग्रो करते हैं तो ऐसे प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उनको यूजुअली कौन डिस्पर्स करता है वाटर इन प्लांट्स के फ्रूट्स और जो सीड्स होते हैं वो वाटर में आपके फ्लोट कर सकते हैं जैसे आपका हाइड्रिला सीड्स है इसको भी वाटर कैरी अवे करता है एनिमल्स बर्ड्स ईट द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट एक्सपोज द सीड्स वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स दिस हेल्प द सीड्स टू डिस्पोज समूड एंड स्पाइनी फ्रूट्स क्लिंग टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड एंड इवन टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूम देखिए बर्ड्स क्या है फ्रूट्स का फ्लैशी पार्ट खाते हैं सीड्स तो रहने देते हैं और हम भी तो फ्रूट खाते हैं और उसका सीड फेंक देते हैं तो इससे क्या होता है सीड डिस्पोज हो जाता है कई बार जैसे कुछ आपके स्पाइनी फ्रूट्स होते हैं हुक्ड होते हैं जो एनिमल की बॉडी से या कभी हमारे क्लोथ्स के साथ चिपक जाते हैं और फिर वो इस तरह से डिस्पोज हो जाते हैं नॉलेज वर्ल्ड जेंथियम फ्रूट हैज़ स्पाइंस द टाइगर नेम सीड्स हैज़ हुक्स एंड द स्प्योर ग्रास फ्रूट हैज़ अ स्टिफ हेयर दे स्टिक टू द एनिमल फॉर्स एंड आर कैरीड अवे टू अदर प्लेसेस देखिए आपके अगर हम इनकी बात करें जैनथियम फ्रूट या टाइगर नेल सीड या फिर प्योर ग्रास या आप क्या हो, क्या होते हैं कि ये एनिमल के फर के साथ कई बार चिपक जाते हैं या ह्यूमन बॉडी से चिपक जाते हैं एंड एन दूर किसी जगह चले जाते हैं

सिनेमन ओरिजिनेटेड इन श्रीलंका बनेना केम फ्रॉम ईस्ट एशिया कॉफी ओरिजिनेटेड इन इथ्योपिया देखिए बहुत सारे आपको लगते होंगे कि ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये इंडिया में ओरिजिनेट हुए बट ऐसा नहीं है जैसे कि आपका पोटेटो पेरू में एप्पल आपका चाइना में ओरिजिनेट हुआ था इसी तरह से बहुत सारे ये आपके जो आइटम्स दे रखे हैं ये डिफरेंट कंट्रीज से ओरिजिनेट हुए हैं रिकैप रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बउट वन ऑफ देर ओन काइंड plants reproduce in different ways the process by which a seed grows into a seedling is called germination when seeds get enough water air and warmth they grow into new plants disposal means the scattering of seeds the agents of disposal are wind water and animals seed also disperse by explosion children i hope you have to this chapter a and chapter practice about